वेलकम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका बड़ा ही मेजर टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अभी तक हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट आइसोलेटेड होती है, एक का कनेक्शन अपन हाथ से कर देते हैं, और प्लेट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, प्लेट्स पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू हो, तो कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहाँ क्यू क्या है चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और सी होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चार्ज निकालना इसी फॉर्मूले से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वी, इसी फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना वी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी। अब आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सिंबल जो है कैपेसिटर का ये रहता है, किसी सर्किट में जब अपन बनाएंगे तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल सेम साइज की, बड़ी छोटी होगी तो क्या बन जाएगा सेल, तो कैपेसिटर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल और सेम साइज, ये साइन होता है कैपेसिटर का। और क्यों जरूरत पड़ती है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की, पहले ये बता दें आपको कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास कम कैपेसिटीज के कई कैपेसिटर्स मौजूद हैं बट रिक्वायर्ड कैपेसिटी है ज्यादा, तो ऐसे में भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो कम कैपेसिटी के कई कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं उनको इस तरह से अपन ग्रुप करेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग से हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी जो हमको चाहिए वो मिल जाए। और कई बार उल्टा भी होता है कि हमारे पास ज्यादा ज्यादा कैपेसिटी कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं और हम चाहते हैं कि हमको कम कैपेसिटी चाहिए, तो कम कैपेसिटी भी चाहिए अगर और ज्यादा कैपेसिटी कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, पर तरीका अलग होगा। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो तरीके से की जा सकती है, कम कैपेसिटी से आपको ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए या ज्यादा कैपेसिटी से आपको कम कैपेसिटी का चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू नीड हम दो तरह की ग्रुपिंग करते हैं कैपेसिटर्स की, तो सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग। आप सब लोगों ने क्लास 10th में रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग तो पढ़ी होगी, सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग वहां भी पढ़ी थी अपन ने, और कुछ उसी से मिलता जुलता है, तो कुछ चीजें सेम भी हैं और कुछ चीजें अलग भी हैं, तो ये आपको देखना है क्या सेम है और क्या अलग है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स दो तरह की होती है, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं अपन, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स बड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं इनके ऊपर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर, और न्यूमेरिकल्स में भी जो थ्योरी यूज होगी वो यहां पे मैं आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे से, एक एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझना, कैसे ग्रुपिंग करते हैं कैपेसिटर्स की, कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन आता है, बीच बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आएंगे कुछ, वो भी आपको याद रखने होंगे, और फाइनल रिजल्ट जो है वो तो याद रखना ही रखना होगा। तो देखिए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कैसे करते हैं, सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स, हमको थ्री कैपेसिटर्स दिए हैं, अलग अलग कैपेसिटीज उनकी है सी1 सी2 एंड सी3, और हमको उन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है सीरीज में। कैसे कनेक्ट करेंगे तरीका देखिए, सपोज दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, तो फर्स्ट कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हो गई, इसकी कैपेसिटी है C1, दिस फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। नाउ फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है उससे कनेक्ट कर देंगे हम सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को, ये सेकंड कैपेसिटर हो गया जिसकी कैपेसिटी C2 है, तो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से किसको कनेक्ट किया, सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को। नाउ सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से कनेक्ट करेंगे किसको, थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को, थर्ड कैपेसिटर हो गया जिसकी कैपेसिटी है C3, ठीक है ना। तो तीन कैपेसिटर हमने बताया C1 C2 C3 कैपेसिटी के, कनेक्ट करना है इनको सीरीज में, यानी एक लाइन में से जुड़ते जाएंगे, हर कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से अगले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को जोड़ते जाइए, जितने भी कैपेसिटर जोड़ने ऐसे जोड़ते जाइए एंड सो ऑन। एट लास्ट जो फाइनल कैपेसिटर होगा हमारा, जैसे यहाँ तीन है तो थर्ड कैपेसिटर फाइनल है, पांच है तो फिफ्थ कैपेसिटर फाइनल होता, जो फाइनल कैपेसिटर होता है उसकी सेकंड प्लेट का कनेक्शन कर देते हैं किससे, हर से। तो कनेक्शन करने के लिए साइन मिलता है, क्लियर है। अब मान लिया इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं अलग अलग C1 C2 और C3 कैपेसिटीज के, यू कैन क्लियरली सी ये तीनों के तीनों इनके बीच जुड़े हुए हैं दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में, पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ, पॉइंट ए को हम किसी भी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं,
सपोज एक बैटरी लगा दी हमने, पॉजिटिव जोड़ दिया किससे, ये से और यहाँ से, या फिर अपन वैसे सिंपली एक चार्ज इसको दे रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज दिया, क्या दिया हमने, प्लस क्यू चार्ज, इसी वोल्टेज सोर्स की हेल्प से अपन ने प्लस क्यू चार्ज दिया किसको, पॉइंट ए को। नाउ पॉइंट ए कनेक्टेड किससे है, कैपेसिटर सी1 की फर्स्ट प्लेट से, तो जो प्लस क्यू चार्ज अपन ने दिया सी1 को, वो प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा कांच के, इसके सरफेस पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, ले रहे कि नहीं। अब कैपेसिटर सी1 की फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट आपस में कनेक्टेड है क्या, कनेक्टेड तो नहीं है, कनेक्टेड जब होती है तो क्या होता है, कंडक्शन, और जब कनेक्टेड ना हो पास पास रखी हो तो क्या होता है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, नियर एंड पे अपोजिट चार्ज एंड फार एंड पे सिमिलर चार्ज, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कैपेसिटर सी1 की फर्स्ट प्लेट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और सेकंड प्लेट इसके पास रखी है, कनेक्टेड कहीं भी नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, इंडक्शन। इंडक्शन में नियर एंड पे हमेशा क्या आता है, अपोजिट चार्ज, प्लस क्यू का अपोजिट क्या होगा, माइनस क्यू, एंड फार एंड पे क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज इस फार एंड पे आएगा इधर, वो कनेक्टेड है किससे, सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, यहां पे क्या है कनेक्शन, तो यहां होगा क्या, कंडक्शन। कंडक्शन में सेम चार्ज आएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, वो प्लस क्यू चार्ज कहां पहुंच जाएगा, तो इस तरह से कैपेसिटर सी2 की फर्स्ट प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस क्यू। नाउ सेकंड प्लेट जो है सेकंड कैपेसिटर की, वो कनेक्टेड तो नहीं है, कंडक्शन तो नहीं होगा, क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन में वही नियर एंड पे कौन सा चार्ज, अपोजिट चार्ज, एंड फार एंड पे कौन सा चार्ज, सिमिलर चार्ज। तो यहाँ नियर एंड पे कौन सा आएगा, अपोजिट, प्लस क्यू का अपोजिट क्या, माइनस क्यू, एंड फार एंड पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज कंडक्ट होके कहाँ पहुंच जाएगा, थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट। यहाँ अगेन कौन सा चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज, एंड फिर कैपेसिटर सी3 की जो सेकंड प्लेट है इसके इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, आउटर सरफेस पे हालांकि प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, बट वो चला जाएगा अल्टीमेटली कहाँ, पहले पहुंचेगा पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से कहाँ पहुंच जाएगा, Is that clear? तो यहाँ पे point B connected to earth है, earth का potential अपन जानते हैं क्या होता है, zero, मतलब low potential हो गया, और point A को plus Q charge दिया है, it is high potential point, तो point A and point B के बीच obviously क्या होगा, potential difference, point A is at high potential, point B is at low potential, so there must be some potential difference between A and B, let this potential difference is D, तो A और B के बीच का potential difference जो है वो मान लिया कितना है, D, so V is what, it is potential difference between points A and B. अब A से B की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। तो ऐसा नहीं कि सभी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट्स अलग दो पॉइंट्स के बीच में है, ये और ये दो पॉइंट्स के बीच में, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, लेकिन सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स अलग दो पॉइंट्स के बीच में है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और थर्ड कैपेसिटर की प्लेट्स अलग दो पॉइंट्स के बीच में, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। लेकिन आप देख रहे चार सब में सेम, हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, सेकंड प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सभी प्लेट्स पे कैसा है, सेम। यानी अगर हमने चार्ज पॉइंट ए को दिया तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज जाएगा, चार्ज के जाएगा, ये देखो पकड़ना कांसेप्ट, गुरुमन कैसे अपन पहचानते हैं, कई बार क्वेश्चन धोखा भी हो जाता है, देखने में लग रहे होते हैं पैरेलल होते हैं सीरीज में, कभी देखने में लग रहे होते हैं सीरीज होते हैं पैरेलल में, ठीक है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो भाई गुरुमंत्र आपकी मदद करेगा कि अगर दो पॉइंट्स के बीच हमको कैपेसिटेंस निकालना है, उनके बीच कैपेसिटेंस लगे हुए और चार्ज को जब अपन एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक भेज रहे हैं, तो अपन ये देखेंगे कि जाने का रास्ता एक ही है या अलग है। अगर रास्ता एक ही हो तो बेशक टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, ठीक है ना, वो सारे के कैपेसिटर जितने एक ही रास्ते में हैं, उनमें चार्ज जो है वो सेम जाता है, और सेम चार्ज जाएगा मतलब कैसे हो गए, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं जो चार्ज इस पे वही इस पे वही इस पे, क्योंकि आने का रास्ता एक ही है, तो चार्ज डिवाइड नहीं हुआ, तीनों ने इक्वल चार्ज दिया, तो सीरीज ग्रुपिंग की ये पहचान है कि चार्ज सब पे सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सभी अलग अलग पॉइंट्स के बीच में है, तो फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1, सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V2, एंड थर्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो इस तरह से हमने देखा कि सीरीज ग्रुपिंग में, ये ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि इन सीरीज ग्रुपिंग जितने भी कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाएंगे चार्ज सबके सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग है। इज दैट क्लियर और नॉट, आई बात समझ में। अब यहां पे अगर आप देखें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का कितना माना है, बी, और अलग अलग कैपेसिटर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जी1 बी2 बी3।
तो ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि वी इक्वल टू क्या है, व्हाट इज वी, वी वन वी टू वी थ्री तीनों जोड़ के बनेगा कि नहीं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है ए और बी के बीच का वो अलग अलग कैपेसिटर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन वी टू वी थ्री इनके सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, वी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या वी वन प्लस वी टू प्लस चार तो सब पे सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग है, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या क्या है वी वन वी टू एंड वी थ्री, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो वी होगा वो इक्वल टू होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, एनी डाउट। अब हमको v1, v2, v3 की भी वैल्यूज निकालनी है तो ये जो स्टेप हम अपन डेरिवेशन में कर रहे हैं यही स्टेप न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं वो कई बार क्या होता है कि डुबकी नहीं लगाती ऊपर ऊपर से तैर के निकल के फाइनल रिजल्ट याद कर लिया, लेकिन उस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ स्टेप डेरिवेशन में अपन करते हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो जब आपने डेरिवेशन नहीं किया तो कई बार वो चीजें अपने को पता ही नहीं होती हैं, कई बार किसी क्वेश्चन में आपसे v1 ही निकलवा दिया या v2 निकलवा दिया तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं कैसे निकालेंगे वो भी आप समझ लीजिए। तो हमने आपको फार्मूला बताया भाई मेन फार्मूला सबको जैसे मान लिया q इक्वल टू c उसी से अगर v निकालना तो v इक्वल टू क्या होगा qac, किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू क्या होगा qac। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तो v1 v2 v3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो बताओ v1 इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला v इक्वल टू q अपॉन c, v1 इक्वल टू क्या होगा V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, तो Q क्या है और C क्या है फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, तो C तो C1 है लेकिन Q Q1 Q2 Q3 नहीं है, Q सब पे सेम है, तो इसी फार्मूले से V इक्वल टू Q अपॉन C से Q तो सबके लिए सेम है तो Q तो Q रहेगा, Q में Q1 मत लगाना बट कैपेसिटी अलग अलग है तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी क्या है C1, यानी जो V1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी Q बाय C1, इज दैट क्लियर। V1 equal to Q by C1, बताओ V2 equal to क्या होगा? V2 equal to क्या होगा? Second capacitor की plates के अक्रॉस potential difference, तो charge तो सब पे ही same है, तो charge तो Q ही रहेगा, but capacity क्या हो जाएगी? C2. And what about V3? V3 equal to Q by C3. तो जो ध्यान से समझ रहे हैं, पूरा focus नहीं रख रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं पड़ रहा है, तो उनको तो ये चीज बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सिंपल है, ठीक है ना? तो V1 V2, V3 तीनों की वैल्यू आ गई, क्या सेम छे क्या अलग छे सीरीज में, क्या सेम छे चार्ज, चार सारे कैपेसिटर्स पे सेम छे, क्या अलग छे पोटेंशियल डिफरेंस सब पे V1, V2, V3 क्या कैपेसिटी सब की अलग छे, तो V इक्वल टू QC, तो V1 इक्वल टू QC1, V2 इक्वल टू QC2, V3 इक्वल टू QC3। नाउ पुट दीस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे, इन फॉर्मूलों को अलग से भी याद रखना, इनकी भी जरूरत पड़ेगी, इनको भी जरूरत पड़ेगी, डेरिवेशन में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं ना, जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उस थ्योरी को बहुत ध्यान से सुन लो, जब आप थ्योरी ध्यान से नहीं सुनते हो ना तभी न्यूमेरिकल पल्ले नहीं पड़ते, थ्योरी में ही हमने सारी बातें बता दी जो न्यूमेरिकल में अपन करने वाले हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान से सुन लो तो न्यूमेरिकल आपको इजी लगेगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू व्हाट इज v1, v1 इज q / c1 प्लस व्हाट इज v2, v2 इज q / c2 प्लस व्हाट इज v3, v3 इज q / c2। तो v1 v2 v3 की ये वैल्यूज कहां रख दी, इक्वेशन 1 में रख दी, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है q कॉमन आ रहा है, तो v इक्वल टू q जैसे ही अपन कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा वन अपॉन सी वन प्लस यहां से बचेगा वन अपॉन सी टू और प्लस यहां से बचेगा वन अपॉन सी थ्री, ये डी की वैल्यू आ गई, डी इक्वल टू क्या आ गया क्यू ब्रैकेट में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर टू। तो अलग अलग अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए वी वन वी टू वी थ्री और फिर उनकी वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन वन में, तो इस तरह से ये आ गया हमारा वी इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। अब ये तीनों कैपेसिटर्स की हमको क्या निकालनी है, सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं जैसे सीरीज के लिए सी एस लगा देते हैं, पैरेलल के लिए सी पी ताकि याद रहे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों में निकालना है, तो मान लेते हैं अपन कि इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
ऑफ सीरीज ग्रुपिंग। पूरी जो सीरीज ग्रुपिंग है, जितने भी 3, 5, 10 जितने भी कैपेसिटेंस अपन जोड़े और उन सबका सॉल्व करके जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आए, अगर वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो सीएस, तो देन और फिर से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे v इक्वल टू q अपॉन c का। तो अगर हमने इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मान लिया सीएस, तो इसका मतलब अभी तीन कैपेसिटेंस नहीं रहे, इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के अपन क्या अज्यूम कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर जिसकी फर्स्ट प्लेट होगी ये और सेकंड प्लेट होगी, फर्स्ट प्लेट को अपन ने पॉइंट से कनेक्ट किया चार्ज दिया प्लस क्यू और सेकंड प्लेट कनेक्ट कर दी किससे आर से, समझा कि नहीं। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा v, चार्ज पूरे पे क्या होगा q और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c की जगह क्या होगी cs। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर अपन निकाले तो v इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कैपेसिटर का इक्विवेलेंट जो आया इक्वल टू चार्ज पूरे पे कितना है q और कैपेसिटी c की जगह क्या आ जाएगी cs, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन ने कितनी मानी है cs। गिव इट इक्वेशन नंबर 3 और अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के टर्म्स पे आ गया और अलग-अलग के टर्म्स में ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वैल्यू तो सेम ही होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, वी इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है q by cs इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड के रख देंगे, इसकी राइट हैंड साइड क्या है q एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 एंड प्लस 1 अपॉन c3। तो q से q तो हो जाएगा कैंसिल, फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा वही आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज में, तो 1 अपॉन cs इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। मतलब अगर आपको अलग अलग तीन कैपेसिटीज दे रखी है, तीन कैपेसिटर्स की C1 C2 C3 और आपको बता दिया कि वो कनेक्टेड कैसे हैं सीरीज में और फिर आपसे कहा कि आप फाइंड कीजिए उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1 upon CS equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करके आएगा और जो भी सॉल्व करके आएगा याद रखना वो वैल्यू किसकी आएगी 1 अपॉन cs, cs की नहीं आएगी डायरेक्ट, किसकी आएगी 1 अपॉन cs की। तो उसका उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे याद रखना, लास्ट में उल्टा करना भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 अपॉन cs की जो वैल्यू आएगी उसको उल्टा करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी cs। तो फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे आया डेरिवेशन एक बार अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग। इसमें हमने बताया है कि तीन कैपेसिटर अगर कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला दो होते तो 1 अपॉन cs इक्वल टू क्या होता 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2, पांच होते तो 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4 plus 1 upon C5। अगर आपको 10th का resistance का याद हो, 10th में resistance का जो series grouping होता था उसमें RS equal to होता था R1 plus R2 plus R3, वहाँ series नहीं जुड़ते थे, यहाँ series में ऐसे जुड़ रहे हैं 1 upon CS equal to, ये वहाँ पे कहाँ होता था parallel, parallel में ये formula था 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon, ये चीज़ उल्टी हो गई। बाकी आपको जो बातें ध्यान रखनी हो, क्या ध्यान रखनी है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो क्या सबका सेम होगा चार्ज, सब पे चार्ज होगा सेम, क्या अलग अलग होगा सबका पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सब पे अलग अलग चार्ज सब पे सेम, क्लियर है कि नहीं। और ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। जब इस फॉर्मूले से आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मान लिया कितनी आ गई CS, सॉल्व करके कुछ भी आ गई, मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आ गई आपकी सीएस। अब अगर आपसे कहा जाए कि सेकंड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो सेकंड प्लेट्स के कैपेसिटर के कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v2, तो v2 निकालना है अगर आपको तो फार्मूला क्या होगा v2 का, v2 इक्वल टू होगा q अपॉन c2, तो c2 तो आपको गिवन होगा, अगर c1 c2 स्थिति दिए होंगे आपको तीनों ही, तो इससे पहले तो सीएस निकल गया इस फॉर्मूले का यूज करके, अब आपको निकालना क्या है v2 और v2 निकालना है तो v2 का फॉर्मूला क्या होता है q by c2, c2 आपको पता है q नहीं पता, तो ऐसे में क्या निकालना पड़ेगा q, और q कैसे निकालेंगे तो अपन जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है cd, तो qs इक्वल टू q, अगर आपको निकालना है तो q तो पूरा इक्विवेलेंट, आपको ध्यान है सीरीज में q सब पे सेम होता है, जो टोटल होगा q वही ईच का होगा, तो चाहे वो c1 का हो चाहे c2 का c3 का q सबका सेम आएगा और किस फॉर्मूले से आएगा q इक्वल टू cs, ये फॉर्मूला है q निकालने का।
कहां से आया ये फार्मूला? ये फार्मूला भी आपका यहां से आया कि v इक्वल टू q अपॉन cs, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा? csv। तो q इक्वल टू csv से पहले क्या निकाल लेंगे? q निकाल लेंगे। एक बार q आ गया तो v2 क्या, v1 क्या, v3 क्या, सब निकाल सकते हैं। v2 निकालना q / c2 कर दो, v3 निकालना q / c3 कर दो, v1 निकालना q / c1 कर दो। देख नहीं अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, तो v1 v2 v3 आ गए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस v क्या होगा? v1 v2 v3। समझ में आ गया? तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। डेरिवेशन तो क्लियर हो गया कि नहीं, कैसे अरेंज करते हैं तरीका भी समझ में आ गया। पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि हाउ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, एंड ऑब्टेन द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देंगे और फार्मूला ऐसे ड्राइव करके निकाल देंगे। बताओ कोई दिक्कत? सिंपल है डेरिवेशन, दो एक बार आप वैसे कर लोगे तो डेरिवेशन याद हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड और बता रहा हूं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। बता दूं मैं थ्योरी को ढंग से अगर ध्यान से आप देख लें तो जो न्यूमेरिकल्स में अपन को दिक्कतें आती है वो नहीं आएंगी। जो बातें न्यूमेरिकल में यूज होने वाली थ्योरी में पहले क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने तीन कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज आपको दे रखी है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो सी1 इक्वल टू दिया 3 माइक्रोफेराड, सी2 इक्वल टू दिया 5 माइक्रोफेराड एंड सपोज सी3 इक्वल टू दिया आपको कितना 15 माइक्रोफेराड। तीन कैपेसिटर्स गिवन है, अलग-अलग कैपेसिटीज आपको दे रखी हैं और आपसे कहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है तो सीरीज में जुड़े हैं क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला अपन जानते हैं, लगा देंगे फार्मूला 1 / cs इक्वल टू क्या होता है? 1 / c1, c1 क्या है 3 + 1 / c2, c2 क्या है 5 + 1 / c3, c3 कितना है 15। तो 1 / 3 + 1 / 5 + 1 / 15 आप क्या करना पड़ेगा? नीचे नीचे कैल्शियम लेंगे, 3 और 5 दोनों की टेबल में आता है 15, एलसीएम तो आ जाएगा आपका 15। क्लियर है कि नहीं? नाउ 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? 5 बन जा 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 3 बन जा 3। नाउ 15 डिवाइडेड बाय 15 क्या आएगा? 1 बन जा 1। सॉल्व किया 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 बाय 15 आ गया। आपके दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये वैल्यू आ गई 3 / 5। क्या ये आंसर है हमारा? नहीं, ये तो क्या है? 1 / cs है। मैंने आपको बताया था 1 / cs जो आएगा उसका उल्टा करेंगे तो cs आएगा। cs इक्वल टू क्या आएगा? 1 / cs 3 / 5, तो cs क्या होगा? 5 / 3। और 5 / 3 को अगर हम सॉल्व करें तो 3 बन जा 3, 2 आया, पॉइंट लगाया 0 आया, 36 जा 80, फिर 2 आया, पॉइंट लगाइए 0 आ जाएगा, फिर 6 1.66 आता जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 1.66 माइक्रोफैरा। तो बोलो निकालना समझ में आया कि नहीं आया? और इससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आने वाली है और वो ये है, ध्यान से सुनना। हमने जो तीन कैपेसिटर्स लिए थे उनकी कैपेसिटीज क्या क्या थी? 3 थी, 5 थी और 15 थी। कोई भी बात मिस ना हो जाए, पूरा कंसंट्रेशन ही बनाए रखो थोड़ी देर तब तक क्लास चल रही है। 3, 5 और 15 तीन कैपेसिटर्स हैं, इनमें सबसे कम कैपेसिटी किसकी है? पहले वाले की कितनी है? 3। 3 से कम है क्या? नहीं। और अब हमने इनका क्या निकाला? सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू क्या आई? 1.66। वो 3 से भी क्या आई? कम। यानी याद रखना, सीरीज में जब हम कैपेसिटर जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, हमेशा एक एग्जांपल से बता दिया, हमेशा याद रखना जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा लेस देन द लीस्ट। कैसा आएगा? लेस देन द लीस्ट, यानी जो सबसे कम होगी, मिनिमम होगी जिसकी कैपेसिटी लीस्ट, उससे भी कम। यानी इससे एक बात क्लियर हो गई कि सीरीज में जोड़ना कब बेटर होगा? जब हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी हो ज्यादा और रिक्वायर्ड कैपेसिटी हो कम, तो हमें जोड़ना चाहिए किसमें? पैरेलल में। क्लियर है कि नहीं? अब सपोज यहाँ जो तीन कैपेसिटर थे, अलग अलग कैपेसिटी सबकी 3, 5, 15, मान लो तीनों की कैपेसिटी सेम होती, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, तीनों इक्वल टू कैपेसिटी मान ली कितनी होती? 15 माइक्रोफैराड। तब आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आती? उसी फॉर्मूले का अगर यूज करके सीएस में निकालते हो ऐसे आता 1 / cs इक्वल टू 1 / c1 भी 15 + 1 / c2 भी 15 + 1 / c3 भी 15 ऐसे में कितना आया? 15 ऊपर 1 + 1 + 1 यानी कि 3/15, 3 बन जा 3, 3/15 तो आया था 1 / cs = 1/5,
याद रखना 1 अपॉन फैक्टर क्या है, 1 अपॉन सी एस। तो सी एस इक्वल टू क्या होगा, 5 माइक्रोफैक्टर। समझ आया कि नहीं आया? इक्वल थे तो क्या हो गया, 5 माइक्रोफैक्टर। एक्चुअली क्या है हमारा, 3/15। 3/15 को अपन 1 अपॉन सी एस कह रहे हैं, तो सी एस क्या होता, सी एस होता हमारा कितना, 15/3। समझे कि नहीं, सी एस कितना होता, 15/3। सबकी कैपेसिटी 5/5 होती, सबकी कैपेसिटी 5/5 होती, तो तीन कैपेसिटर जुड़े होते हैं, तो करंट कैपेसिटी क्या होती, सबकी 5/5 होती है, अगर 5+5 नीचे 5/5 होता, ऊपर फिर भी 3 आता, तो सी एस होता 3/5। तो सी एस क्या होता, 1/3/5, तो सी एस क्या होता, 5/3। समझे कि नहीं, और सब 3/3 के होते, जब 3/3 के होते तो 3/3, ठीक है। और मान लो 3/3 कैपेसिटी के 4 कैपेसिटर जुड़े होते सीरीज में, तो करंट कैपेसिटी क्या होती, 4 कैपेसिटर जुड़े हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर 4, और इसकी कैपेसिटी कितनी, 3, तो करंट कैपेसिटी क्या होती, 3/4। मतलब जो कैपेसिटी ईच कैपेसिटर की है सी, उसमें डिवाइड किसका कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर का, सी बाय। एक फार्मूला बन गया, तो इस बात को अलग से नोट कर लेंगे अपन, एक फार्मूला हो गया कि अगर n कैपेसिटर जुड़े हों, ईच ऑफ कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटी इक्वल हो, n कैपेसिटर जुड़े हैं, n मतलब 3, 4, 5 कितने भी हो, सबकी कैपेसिटी सेम हो, वो कैपेसिटी मान लिया कितनी है, c। तो ऐसे में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी सीरीज में वो क्या होगी, c / n। तो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते, इसको एक नोट के तौर पे आप लिख लीजिए, इफ n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी c are connected in series, then equivalent capacitance will be, सीरीज में करंट कैपेसिटेंस होता क्या है, सी एस। सी एस इक्वल टू क्या होगा, अगर एन कैपेसिटर जुड़े हैं ईच ऑफ कैपेसिटी सी, तो करंट कैपेसिटी सी एस इक्वल टू हो जाएगी सी बाय एन। ये फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपके कई क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। समझ आ गया आया? एक बात यहाँ पे हम और कह दें, जब अपन ने अभी देखा, हमने V1, V2, V3 अलग अलग निकाले, तो V1 क्या आया था हमारा, क्यू बाय सी वन, V2 क्या आया था, Q/C2, और V3 क्या आया था, Q/C3। क्या सेम था सबका, Q, लेकिन क्या अलग लगते हैं सबके, C। लेकिन अगर कैपेसिटी सबकी सेम हो, ये एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, इफ कैपेसिटी भी इक्वल होती, चाहे तो इक्वल आई सबकी कैपेसिटी भी अगर इक्वल होती, C1=C2=C3। सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, मोटी मोटी बातें हैं, ध्यान से पकड़ लो, न्यूमेरिकल्स में ये सब काम आने वाले हैं कंसेप्ट। C1=C2=C3, तीनों की कैपेसिटी क्या हो, इक्वल। तो ऐसे में फिर V1, V2, V3 अलग अलग आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि V1, V2, V3 ये अलग अलग आई की वजह से, C1, C2, C3 की वजह से, तो सब सेम था ही, अब सी भी सेम हो जाएगा, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी V1=V2=V3, और इक्वल टू किसके होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा था V, उसका 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सीरीज में क्या सेम होता है, क्या अलग, सारे कैपेसिटर में चार्ज होता है सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, V1=2 क्या होता है, Q/C1, V2=Q/C2, V3=Q/C3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला 1/CS=2 क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इससे जो वैल्यू आती है 1/CS की आती है, जब उल्टा करेंगे तो वैल्यू आएगी किसकी, CS की, और जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वो लेस देन द लीस्ट आएगी, तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे भी कम प्राप्त होगी। यानी एक बात समझ में आई, अगर आपको कैपेसिटी कम करनी है तो जुड़ना चाहिए काय में, सीरीज जुड़ना चाहिए सीरीज। और ये मैंने बताया कि अगर सभी कैपेसिटर की कैपेसिटी इक्वल हो, n कैपेसिटर जुड़े हो ईच ऑफ कैपेसिटी c,
इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए फार्मूला फिर सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सीमा एन। अगर तीन कैपेसिटर तीनों कैपेसिटी सेम है C1, C2, C3 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इनके अक्रॉस सेम आएगा V1, V2, V3 ऑल इक्वल टू क्या होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी V है उसका तीन कैपेसिटर के केस में 1/3 हो जाएगा टाइम्स 5 हो तो 5 टाइम्स 1/5 टाइम्स 2 है तो 1/2 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो भी ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो अलग अलग 3 के 4 के 5 के तो वही फार्मूला लगाना बेटर है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इन केस ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। टू कैपेसिटर्स अगर दे रखे हैं कैपेसिटी है C1 एंड C2 तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फार्मूला 1/CS = क्या होता है 1/C1 + 1/C2। इसमें अगर हम एलसीएम लें तो नीचे तो क्या आ जाएगा C1 C2 ऊपर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 प्लस C1 ये वैल्यू किसकी आ रही है 1/CS की। हमको चाहिए क्या होता है CS तो डायरेक्ट फार्मूला CS का अगर निकालें दो कैपेसिटर्स के लिए तो क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे C1 C2 पहुंच जाएगा ऊपर और अपॉन नीचे C2 + C1 लिखो या C1 + C2 की बात है C1 + C2 ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए। इसमें उल्टा शुल्टा भी नहीं करना डायरेक्ट करके आके दिया सीधे फार्मूला लगा दो। अगर दो कैपेसिटर्स हैं ठीक है ना अलग अलग कैपेसिटी के C1 C2 कैपेसिटी के दो कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हैं तो दो कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं CS का क्या C1 C2 / C1 + C2 तो उल्टा शुल्टा नहीं करना पड़ेगा सीधे उल्टा करके आके दिया। क्लियर है कि नहीं। दिस इज ऑल अबाउट सीरीज ग्रुपिंग। उम्मीद है समझ में आया होगा पूरा।